नमस्कार किसान भाइयों आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर किटकों को कंट्रोल करने वाले एक बहुत बढ़िया एक्शन के बारे में हम बात करने वाले है वो एक्शन है गैसिंग एक्शन गैस एक्शन में कवरेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है जहां पे हवा है वहां पे गैस एक्शन जरूर पहुंच जाता है और यही वो एक्शन है जो बिना कवरेज के भी आपके किटकों को कोने कोने में घुसकर मारता है तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पांच ऐसे बेस्ट गैसिंग एक्शन वाले इंसेक्टिसाइड बताने वाले जिसमें से एक ऑर्गेनिक तो, तो सिंपल वाला पता चल गया कि आपके पौधों के ऊपर जो भी गैसिंग एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड छिड़काव किया जाता है उससे क्या होती है हवा में एक प्रकार की एक अदृश्य एक गन तैयार हो जाती है जिससे कीटक आपके फसल को छूते नहीं अगर ये इनके संपर्क में आ गए जहाँ पे गैस है वहां पे उसके रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि छो, श्वास से उस कीटक को मार दिया जाता है या फिर हमारे फसल से दूर रखा जाता है इसको गैसिंग एक्शन बोलते हैं तो ये गैसिंग एक्शन में पांच बेस्ट वाले इंसेक्टिसाइड कौन से तो सबसे पहले वाला हम ऑर्गेनिक वाला ही देख लेते हैं जो मेरा फेवरेट भी है वो है हम हमेशा बताते हैं वो है फिश ऑयल तो फिश ऑयल के बारे में आपको पता भी है फिश यानी कि मछली और ऑयल यानी कि उससे निकलने वाला तेल तो ये जो फिश ऑयल के कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि उदाहरण के लिए आप मीनार्क भी ले लीजिएगा मीनार्क यानी कि हिंदी में उसको मीनार्क मीन राशि यानी कि मछली वही वाला चीज होता है तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो लेकिन फिश ऑयल का रिक्वायरमेंट इतना ही रखना है कि आपको वो कम से कम 50 परसेंट वाला होना चाहिए कम से कम 50 परसेंट उससे ऊपर हुआ तो और भी अच्छा है तो इससे क्या एक्शन बनता है कि भाई जब आप फिश ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो आपके फसल के अगल बगल में एक गंध मच जाती है जिससे आपके जो भी कीटक है वो अपने फसल के नजदीक नहीं आते जैसे कि उदाहरण के लिए बता देता हूँ जैसे शाकाहारी जो इंसान होता है जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है शाकाहारी जो इंसान होता है वो अगर भाई कोई गंदी वाली से मतलब भाई आप बोलते हो ना नॉनवेज से वो दूर रहता है उसकी गंध भी उस, वो सहने पाता है उसी तरीके से आपके कीटक क्या है शाकाहारी है जो आपके पत्तियों को फलों को खाते हैं मतलब वो शाकाहारी हो गए और उनको मांसाहारी यानी कि ये जो गंध रहती है फिश की ये सह नहीं पाती है उसके कारण भी ये दूर रहते हैं और अगर गलती से इनके मुंह में ये फिश ऑयल का जो भी एक पॉइजन ये लग गया तो भाई उनका जो टेस्ट है वो भी बिगड़ जाता है जिससे हमारी फसल का नुकसान रुक जाता है तो इसीलिए फिश ऑयल भी बहुत तगड़ा वाला काम यहाँ पे करता है दूसरा वाला इंसेक्टिसाइड कौन सा है तो दूसरा वाला आप सभी को पता है ऑर्गेनिकॉस्पेट ग्रुप के जितने भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड है वो बहुत ही तगड़ा वाला गैसिंग एक्शन दिखाते हैं जी हाँ है, ऑर्गेनो फॉस्पेट ग्रुप जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या हो गया आपका प्रोफेनोपोस हो गया है जी जिसमें आता है वो सभी चीजें आप देखो आ, मतलब प्रोफिनोपॉस प्लस साइपर आता है प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है एक प्रोफेक्स के नाम से आता है अलग अलग नाम से आपको मिलता है इसी के साथ साथ इस ग्रुप का एक और इंसेक्टिसाइड आता है जो कि ट्राइजोफॉस करके है तो ट्राइजोफॉस का भी आपने गैसिंग एक्शन देखा होगा पुराने लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे तो मैं मुझे बताने का एक ही पे उद्देश्य है कि भाई आप ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का कोई भी इंसेक्टिसाइड उठा सकते हो बेस्ट वाले गैसिंग एक्शन के लिए इसी के साथ साथ तीसरा वाला बेस्ट वाला गैसिंग एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड है वो है क्लोरोपाइरिफॉस ये एक और चीज मेरी फेवरेट इसलिए बन जाती है क्योंकि क्लोरोपायरिफॉस का अगर गैसिंग एक्शन थी भले भाई इसका गैसिंग एक्शन दो चार दिनों के लिए ही काम करता है लेकिन इसका रेसिडुअल एक्शन यानी कि जहां पे एक बार चिपक गया किसी लकड़ी के ऊपर या फिर पौधे के ऊपर तो वहां पे ये बहुत दिनों तक एक्टिव रहता है जिससे लंबे समय के लिए हमें किटकों से कंट्रोल मिल जाता है और गैसिंग एक्शन क्लोरोपायरिफॉस की गंध आप सभी को पता ही है कैसा उसका गंध रहता है अभी चौथा वाला इंसेक्टिसाइड कौन सा है तो चौथा वाला इंसेक्टिसाइड आप सभी को पता है बहुत सारे किसानों को उस दवा से एलर्जी है इतना वो खतरनाक वाला चीज है जी हाँ हम, हम बात कर रहे तो भाई जहां पे भी सिंथेटिक पायरेथराइड ग्रुप के जितने भी इंसेक्टिसाइड आते हैं सिंथेटिक पायरेथराइड ग्रुप के जितने भी इंसेक्टिसाइड आते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका डेल्टा मेथ्रीन हो गया अल्फा मेथ्रीन हो गया हो गया, तो लास्ट में जो थ्रीन आता है वो सिंथेटिक पायरेथराइड ग्रुप का होता है तो वो जितने भी है वो सभी गैसिंग एक्शन अव्वल दिखाते तो पाचों वाला जो बताने वाला हो ना वो सिस्टेमिक वाला होने वाला है ये तो क्वांटिटी में काम करते ये भी बात ध्यान में रखना तो चौथे वाला जो मैं बता रहा हूँ वो सिंथेटिक पायरेथराइड का है और एलर्जी किससे होता है आप सभी को पता है कराटे से सभी किसानों को एलर्जी है कराटे के अंदर आता है तो कराटे भी एक बेस्ट तरीके से आ, आपके इंसेक्टिसाइड का आ, जो भी गैसिंग एक्शन है वो अच्छी तरीके से दिखाता है और किटकों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है आए बिना आदमी रहता नहीं है ऐसा है इंसेक्टिसाइड पांचवा जो इंसेक्टिसाइड हमने बताने की कोशिश की है कि भाई इसमें सिस्टेमिक भी है, हमने बोला है, और साथ ही साथ, साथ कौन तो सा है तो वो है आपका डायमेथोट डायमेथोट के साथ फेंथोएट जो धानु का धानुका का कंपनी का एक धानुसान के नाम से आता है तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं तो फेंथोएट या फिर डायमेथोट जिसको आप रोगर के नाम से जानते हो रोगर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके फसल में काम करता है तो इस तरीके से आपका फिश ऑयल प्रोफेनोपॉस क्लोरोपायरिपॉस कराटे और रोगर बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फसल के अंदर गैसिंग एक्शन क्रिएट करते हैं और उसी गैसिंग एक्शन के कारण आपके कीटक आपके फसल से दूर रहते हैं अगर आपको ये पांच बेस्ट इंसेक्टिसाइड पसंद आए होंगे या फिर नहीं आए होंगे हमें कमेंट में जरूर बताना और आपका फेवरेट वाला गैसिंग एक्शन कौन सा है कौन सा वाली दवा ये है इससे अतिरिक्त भी कोई दवा होगी तो कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान